हे गाइस, सो जिसका तुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डीबीटी के बारे में डाल दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब जो कि डीबीटी का रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ से ये चीज़ें लिंक्ड होती हैं, इसको डीबीटी जेआरएफ के 2021 यानी 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है। यहाँ पे आप देखेंगे अपडेट कर दिया गया कि एप्लीकेशन ओपन्स फॉर बीटी 2021। एप्लीकेशन जो है वो ओपन कर दिया गया है। एनी क्वेरीज़ के लिए आप इस पर्टिकुलर मेल से कनेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो उसी इन्फॉर्मेशन यानी उसी वेबसाइट पे जा रहा है जो dbt.nta.ac.in पे अवेलेबल था। यहाँ पे जो है स्पेसिफिकली न्यू रजिस्ट्रेशन जब हम बात करते हैं तो गैट बी और बी टी के लिए अभी ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है। मे बी एट द एंड ऑफ डे तक ओपन हो जाए। इसके अलावा जो कंडीशन की बात करते हैं तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट की डेट्स और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारी चीज़ें अवेलेबल है। डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके चीज़ों को देख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट है बीईटी का, जहाँ पे बताया गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास यहाँ पे बीई या बीटेक जो है, मास्टर्स, एमएससी, एमटेक या एमवीएससी, ये सारे जो है डिसिप्लिन बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस या एनी अदर एलाइड एरिया ऑफ बायोलॉजी जिसमें भी आपने किया हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मिनिमम 60% मार्क्स जो है वो रिक्वायर्ड है फॉर जनरल एंड 55 फॉर द ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, एंड दैट इज लाइक 60% फॉर द जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एंड 55% फॉर द एससीएसटी। ये चीज़ यहाँ पे है। और इसके अलावा एज लिमिट मेंशन किया गया है रिलैक्सेशन के साथ। डिटेल्स ऑफ अवार्ड के बारे में बताया गया है। मोड ऑफ सेलेक्शन ऑनलाइन होगा। सिलेबस आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। इस जगह पे सिलेबस डाउनलोड भी कर सकते हैं लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होने वाला है। सेक्शन 1 50 क्वेश्चन का बना होगा। 10+2 लेवल ऑफ सब्जेक्ट्स, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन होंगे 3 नंबर का, और 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग होगी जैसा कि पहले था। और सेक्शन बी 150 क्वेश्चन के थे, जिसमें से आपको सिर्फ 50 अटेम्प्ट करना होता है और ईच क्वेश्चन कैरीज द 3 मार्क। ये चीज़ जो है जैसे पहली थी, पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे इसमें मेंशन किया गया कि dbt.nca.in इस पे जाके कर सकते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन, जो कि वेबसाइट इसमें बताया गया है। दैट इज़ फीस जो है वो 12,000 है पेबल फॉर जनरल ओबीएस एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एंड 600 है फॉर एससीएसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स में जो स्टार्ट डेट्स है वो 7 जुलाई यानी कि आज से ही है, एंड क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 31 जुलाई है अप टू द 5 PM। क्लोजिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ये जो एप्लीकेशन फ़ी है, यहाँ तक आपका क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी वो भी 31 जुलाई को करीब करीब 11:50 PM के आसपास तक है। करेक्शन जो भी करना होगा 4 अगस्त से लेके 6 अगस्त के बीच में विंडो ओपन होगा, करेक्ट कर सकते हैं। एंड गैट बी का जो एग्ज़ाम है वो 14 अगस्त को ही हो रहा है 9 AM से 12 PM के बीच में। एंड डीबीटी यानी बीईटी का एग्ज़ाम, बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी का एग्ज़ाम जो है वो 14 अगस्त को ही है 3 to 6 PM पे, मतलब इंडिपेंडेंस डे जो है उससे 1 दिन पहले ये लोग एग्ज़ाम ले रहे हैं। बीईटी का एग्ज़ाम 3 से 6 बजे है और गैट बी का 9 से 12 बजे, तो ये दोनों एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किए जाएंगे इस पर्टिकुलर चीज़ों से। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, दैट लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाके देख सकते हैं, विजन एंड मिशन, बहुत सारी चीज़ें ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होंगे। ठीक है, सो यू कैन लाइक गो विद द कंटेंट्स। यहाँ पे बहुत सारी क्या है क्या नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वहाँ पे जा सकते हैं कि व्हाट आर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, जो मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन वही सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऑलमोस्ट यानी कि कुल मिला जुला के बात आपको ये पता चल चुका है कि इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। देख लीजिएगा क्राइटेरिया को, ब्रोशर को पढ़ लीजिएगा कि क्या कैसे चल रहा है। तो कुल मिला जुला के बात ये सिद्ध हो गई है कि डीबीटी का एग्ज़ाम जो है 14 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, तो 14 अगस्त को तो डीबीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, अब ये चीज़ श्योर हो चुकी है। यानी कि अब दूसरा जो तरीका था अपने आप को ये कहने का कि नहीं एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो अब मान के चलिए 14 अगस्त के लिए, और तैयारी करिए 14 अगस्त के अकॉर्डिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाय।